व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि भीषणोभाषितान् कामजन्यान् कृत्वा सर्वान् विशेषान् शपति मधुरधून् मायया भोजयन् अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के ऊपर चार प्रकरण पूज्य आचार्य बोरपदाचार्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो चौथा प्रकरण है, ये चौथा प्रकरण है सृष्टि होना संभव नहीं है परंतु प्रतीति होती है, इसके दृष्टांत के द्वारा समझाने के लिए इसका नाम रखा है अलात शांति प्रकरण। मशाल जब शांत हो जाता है, घूमना बंद कर देते हैं, तब सारा लेन देन बंद हो जाता है, सारा लेन देन बंद हो जाता है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे जो अलात शांति प्रकरण किया। अभी तक जो है सांख्यवादी जो सत्कार्यवादी है उसके साथ जो है असत्कार्यवादी नए विशेषियों के साथ जो आपस में वाद विवाद होता रहता है उसको सामने रख करके देखो, तुम दोनों ने सिद्ध किया कि सत से भी उत्पत्ति होना संभव नहीं हो गया तो असत से उत्पत्ति होना संभव नहीं। ठीक भाई, इसमें उत्पत्ति होना संभव नहीं है। फिर जो है नए वैशेषिक को जो है या दिया बौद्ध के साथ दिया गया, बीच में आकर पूर्व मीमांसा दर्शन वो बोलते हैं दोनों गलत बोलते हैं, आपको पता नहीं है ये जो है धर्माधर्म से ही अदृष्ट से शरीर उत्पन्न होती है, सृष्टि होती है। तो वहाँ पे तो एक ही भाई, तुम ये बताओ कौन पहले है, संघात पहले है कि अदृष्ट पहले है, वो बेचारा उसके पास उत्तर नहीं है उसका। तो ये जो है पूर्वा पर अपरिज्ञानम अजातर परिदीपो, ये कौन आगे है कौन बाद में, इसका अज्ञान जो है यदि कोई वस्तु का आपको उत्पत्ति होते हुए दिखाई देता तब आप उसको लेकर के कह सकते ध्यान आपको उसके साथ किस उत्पत्ति वो भी आपको दिखाई देगा। घटा घड़ा यदि कहीं कुमार के कर्म उत्पत्ति होते दिखाई दे रहा है तो आपको मृत्यु का भी दिखाई देगा, वहाँ मृत्यु का उत्पत्ति हो रही है। इसीलिए जब आपको दोनों ज्ञान नहीं है यानी कि आप सब मिल करके अभी सिद्ध कर दो क्या सृष्टि होना संभव नहीं। फिर बौद्धवादी को हिला दिया, बौद्धवादी तो पूर्ण वैनाशिक है तो अर्थ वैनाशिक है, पूर्ण वैनाशिक है, वो केवल बोलते हैं बुद्धि में सब कुछ है, क्रिया कारक कर्ता फल ये सब जो है बुद्धि है, विज्ञानी आत्मा है कि सब कुछ आपको प्रकृति मात्र होता है, इसके बिना कुछ नहीं। अद्वैत को मदद तो करते हैं परंतु करवट क्या कर दिया हम लोगों ने, विज्ञान को क्षणिक मान लिया। अब जब कोई वस्तु क्षणिक होगा, जान एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान, एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान को मैं और प्रवृत्ति में घट पट मट। अब जो है ना आलय विज्ञान स्थिर है ना प्रवृत्ति विज्ञान स्थिर है, ये पेट को यदि आप जानना चाहते हो ये उत्पत्ति के क्षण में ही नाश हो जाता है, तो ये पेन वस्तु का ज्ञान आप किस क्षण में करोगे, किस जब उत्पत्ति इसका ज्ञान, ये वस्तु ये पेन है ये उत्पत्ति होने के बाद जब इसको आप टटोल के अच्छी तरह से परीक्षा करके देखोगे तो अपना कह सकते हो, अब परीक्षण क्षण में तो रहता ही नहीं है, तब कैसे इसका ये वस्तु ऐसा है ये गुण वाला है आप ये कह नहीं सकोगे कभी। अच्छा दूसरी बात है जानने वाला जिसको अनुभव हो जाए उसी को स्मृति होती है, परंतु जिस क्षण में जिसका अनुभव हुआ उसका अगले क्षण में अनुभव करता रहता नहीं है, स्मृति का स्मृति यानी कि वस्तु दृष्टि से और कर्ता दृष्टि से दोनों चीज से क्षणिक, और तुम एक मानते हो कर्ता कर्म कर्म ये सब विज्ञानी है, फल तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिद्धांत तो विचार करने का लायक ही नहीं है, स्वयं अपने सिद्धांत में फंस जाते। अब जो है इस प्रकार से उस समय बौद्धवादी दर्शन भगवान भाष्यकर आए हुए थे, उस समय जो है बहुत बड़ा समस्या ये थी, जो लोग वेद मानते थे वो कर्मकांड को ही मानते थे, ज्ञान को परस्त, और जो ज्ञान मानते थे वो वेद को मानते ही नहीं थे। भगवान भाष्यकर को क्या करना पड़ा, इन दोनों का मतलब
ज्ञान भी एक वैदिक मार्ग है, से ज्ञान वेद से भिन्न नहीं है और कर्म अनुपयोगी नहीं है, ज्ञान के दरवाजा तक पहुंचने के लिए कर्म को उपयोगिता भी है। इस प्रकार से इसको समन्वय करके दिखाया भगवान कल। मैं बताया था यहाँ तक शुद्ध होने के बाद ये जो वस्तु होना उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इसके पीछे एक और कारण युक्त को स्पष्ट कर चुका था। विज्ञान के क्या बोलते हैं टीका में, आज कहाँ शुरू होगा 22 ठीक है 21 तक हो गए थे पुस्तक हो गए। वस्तु न वस्तु तो जन्म नास्ति, कितना सुंदर शब्द हो रहे थे, वस्तु न वस्तुतः मतलब वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि से, किसी भी वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि से जन्म नास्ति, जन्म है ही नहीं, तो किसी भी वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि हम शब्द प्रयोग करने के लिए हम प्रातिभाषिक होता है व्यवहारिक होता है, मात्र पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं है। वस्तु न वस्तुतः जन्म नास्ति इति विकल्प पूर्वक साधयति, हम 6 विकल्प उठाएं, विकल्प उठा करके इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि वस्तु तो पारमार्थिक, किसी भी वस्तु का पारमार्थिक जन्म होना संभव ही नहीं है, पारमार्थिक जन्म होना संभव ही नहीं है। वस्तु न वस्तु तो जन्म नास्ति इति विकल्प पूर्वक साधयति, विकल्प करके इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। श्लोक स्वतो वा परतो वापि, स्वतो वा परतो वापि, न किञ्चिद् वस्तु जायते, न किञ्चिद् वस्तु जायते, सदसत् सदसद् वापि, सदसत् सदसद् वापि, न किञ्चिद् वस्तु जायते, न किञ्चिद् वस्तु जायते, स्वतो वा परतो वापि, न किञ्चिद् वस्तु जायते, सदसत् सदसद् वापि, न किञ्चिद् वस्तु जायते। वस्तु की उत्पत्ति अपने आप, हमारे यहाँ पे एक ऐसा भी है स्वयं भू भगवान अपने आप उत्पन्न नहीं होते, तो स्वतः इस प्रकार अपने आप किसी वस्तु का उत्पत्ति होना संभव नहीं है। उत्पत्ति से पहले तो है नहीं, तो जो वस्तु है नहीं उसमें क्या अपने आप क्या क्रिया करेगा, किसी वस्तु में उत्पत्ति अनुकूल कोई व्यापार करने के लिए, उत्पत्ति अनुकूल कोई व्यापार करने के लिए उस वस्तु को पहले कुछ ना कुछ पूर्ण अस्तित्व चाहिए, तब अपने में अपने आप कुछ व्यापार, पर वो तो है नहीं, कुछ है नहीं वहाँ पे, जब कुछ नहीं है तब तुम कैसे कह सकते हो मतलब उद्देश्य तो अपने आप कैसे अपने को उत्पन्न करेगा। जो वस्तु पहले कुछ रूप में है और वो अपने में कुछ व्यापार करके कुछ उत्पत्ति अनुकूल व्यापार करके अपने को जो उत्पत्ति कर सकते हैं, तो अपने आप है ही नहीं, यदि होता तब उत्पत्ति के प्रश्न नहीं है, यदि होता तब उत्पत्ति है ही नहीं तभी तुम उत्पत्ति कह लो सत्य पर, तो बात ठीक है भाई अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, दूसरे से उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार हमने पहले बोले थे आपको, जिस प्रकार बीज से मतलब फल, बीज अंकुर, अंकुर से मतलब पेड़ होता है, फिर उसका यह आता है आपका बीज उत्पन्न होता है। अब जिस बीज से जिस पेड़ की उत्पत्ति हुई उस पेड़ से उस बीज नहीं आएगा, दूसरा बीज आएगा, परत मतलब उससे भिन्न वस्तु से भिन्न वस्तु की उत्पत्ति होती है। पर यदि ऐसे भी कह रहे अच्छा बताओ इस प्रकार मैं आपसे भिन्न हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि भिन्नता के उत्पत्ति के प्रयोजन हो सकता है, हम आपस में भिन्न हैं तो ना हम आपसे उत्पत्ति ना आप मेरे से उत्पत्ति, भिन्नता उत्पत्ति का जन्म का प्रयोजन नहीं होता। तो आपने हमारी बात को समझाई नहीं, उत्पत्ति जिससे जिस वस्तु की उत्पत्ति होना संभव है वो वस्तु हो और जो उसको जिससे जिसकी उत्पत्ति करना उससे भिन्न हो उससे ये बात हो। क्या बोला मैं कि भिन्न केवल मात्र भिन्नता जन्म के उत्पादक के लिए प्रयोजन नहीं है, उत्पत्ति के लिए प्रयोजन नहीं है। बोलते तुम हमारी बात को समझा नहीं, क्या नहीं समझा, बोलते जिसके अंदर जिसको उत्पत्ति करने की योग्यता हो वो हो और जिसको उत्पत्ति कर रहे हैं उससे भिन्न हो, ये परत। जिस प्रकार मृत्तिका में घड़ा उत्पत्ति करने की योग्यता है और मृत्तिका घड़ा से भिन्न है, पर मतलब भिन्नत यदि आपका उत्पत्ति का प्रयोजक होगा तब पट से घट भी तो भिन्न है, तो पट से घट उत्पन्न होने लग जाए, घट से पट उत्पन्न होने लग जाए,
तब बोले उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, मगर योग्यता निर्णय कैसे करोगे? उत्पत्ति से पहले कि उत्पत्ति के बाद? उत्पत्ति के बाद, उत्पत्ति के बाद ये होना संभव नहीं है। वैसे इसलिए ये दो अब बोले को मिल करके करेंगे, शत परत मिल करके, बोलते हुए तो एक साथ होते ही नहीं है, दोनों मिल करके सत परत दोनों मिल करके करेंगे, ये तो एक साथ होता ही नहीं, विरुद्ध है, अपने आप भी होगा दूसरे से भी होगा, ये कैसे हो सकता? इसी प्रकार से सत असत और सत असत मिल करके सत असत और सत असत बात, यहाँ पे जो नीचे सेकंड लाइन दे सत सत की उत्पत्ति अथवा सत से उत्पत्ति, असत की उत्पत्ति अथवा असत से उत्पत्ति, दोनों होना संभव नहीं है। सत यदि विद्यमान है तो उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति की उपयोगिता क्या है? और सत से सत जो शुद्ध सत है वो व्यापक है, असत वस्तु उत्पत्ति संभव ही नहीं है, असत वस्तु की विद्यमानता ही नहीं है तो उसकी उत्पत्ति कुछ से तो किसी की उत्पत्ति होना उसको दोनों संभव नहीं है। सत असत मिल करके हो जाए तो दोनों विरुद्ध वस्तु के एक साथ मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार से जो है छह प्रकार से विकल्प करके निश्चय करता है न किंचित वस्तु जाए, ये जो प्रतिज्ञा करके आता है कि एतत् तत् उत्तमं सत्यं यत्र किंचित् न जायते, और उसको पुष्ट करने के लिए एडिशनल रीजनिंग बुलाते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि अब सेकंड लाइन मिट्टी का भी आ रही है, ठीक है, श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया। कस्यचित् अपि वस्तुनो वस्तुतः जन्म नास्ति इति अस्मिन् अर्थे हेत्वांतर परत्वं श्लोकस्य दर्शयति। कश्चित् अपि वस्तुनः, तो वस्तु में कौन सा विभक्ति हो सकता है? कश्चित् अपि देखिए वस्तुनः है ना, वस्तु प्रातिपदिक है, वस्तु न्यूट्रल जेंडर है। मधु मधु शब्द का बोलो तो मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुन मधु मधुबी मधुन मधुन मधु मधुन मधुन पंचमी अथवा षष्ठी हो सकती है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है आगे क्या है, कस्यचित् अपि उसके साथ अन्याय हो न, इसे कस्यचित् के साथ अन्याय होगा ना, अतः इसे किसी भी वस्तु का षष्ठी उसके बाद है वस्तुतः न पारमार्थिक दृष्टि से, इसलिए तो मैं यहाँ ये तस्वीर प्रत्यय है। शब्द प्रयोग की शैली को देखो लोगों तो वस्तुतः वस्तुनः वस्तुतः, तो यहाँ पे क्या होता है वस्तुनः, तो मतलब किसी भी वस्तु का वस्तुतः मतलब पारमार्थिक दृष्टि से वस्तु न हो गया पंचमी न वस्तु न हो गया षष्ठी एक बार वस्तु न वस्तुतः हो गया पंचमी अष्टमी प्रत्यय वस्तुतः, क्योंकि यदि आपका वस्तु होता वहाँ पे यहाँ पे वस्तु तो मतलब पारमार्थिक दृष्टि से किसी भी वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि से जन्म है ही नहीं, किसी भी वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि से जन्म है ही नहीं। इस विषय में अतः इति अस्मिन् अर्थे इस विषय में ये जो हमारी स्टेटमेंट है किसी भी वस्तु का पारमार्थिक जन्म होना संभव नहीं है, इस स्टेटमेंट तो अस्मिन् अर्थे इस प्रतिज्ञा वाक्य के पक्ष में हेत्वांतर परत्वं, क्योंकि आपको प्रतिज्ञा पुष्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा, एक दूसरा एक हेतु का बोधक ये श्लोक है। हेत्वांतर परत्वं एक दूसरा हेतु का बोधक क्या है, श्लोकस्य दर्शयति, श्लोक की तात्पर्य उसमें इसको दिखाता है भगवान वास्तव। तो किसी भी प्रकार की वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि से जन्म होना संभव नहीं है, ये जो हमारी प्रतिज्ञा है मतलब गौर पादाचार्य की प्रतिज्ञा है, न कश्चित जायते जीव संभव से न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यं तत्र किंचित् न जायते, ये प्रतिज्ञा वाक्यों को पुष्ट करने के लिए एक अन्य हेतु की तरह उसको समझाना चाहते हैं। इसलिए 22 से एक नया स्थिति बोलो, देखो अभी तक सदसदवादियों को सिद्धांत के आधार पर अब अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए क्यों हमने इस सिद्धांत में पहुंचा, जन्म होना संभव नहीं है, अन्यवादियों के विवाद को देख करने के बाद आपने आप भी विचार किया, अपने आप विचार करके तब हम इस निर्णय में पहुंचे, इसीलिए हम बोलते हैं कि अस्मिन् अर्थे हेत्वांतर परत्वं श्लोकस्य दैज विषय में एक दूसरा हेतु का बोधक इस श्लोक के माध्यम से गौर पादाचार्य दिखलाते हैं, श्लोकस्य दर्शयति। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं इतस्य न जायते किंचित्,
इस कारण से भी कोई भी वस्तु का जन्म होता ही नहीं है, कोई भी वस्तु का जन्म होना संभव ही नहीं। मतलब इतस्य न जा किंचित न जायते, इस कारण से भी कोई भी वस्तु का जन्म होना संभव ही नहीं है। एक नंबर टिप्पणी में देखिए, वक्ष इतस्य, इतस्य को टिप्पणी है वक्षमाना जन्म प्रयोजक असंभव रूपात हेतु इति अर्थ, क्योंकि क्योंकि वक्षमान मतलब आगे बोले जा रहा है जिसका वक्षमाना जन्म प्रयोजक असंभव रूपात मतलब जन्म के लिए जो कारण है ना उसका असंभव होना, उसका नहीं होना, जन्म के लिए जो कारण उसका असंभव होना, इसलिए बोलते जन्म प्रयोजक असंभव रूपात हेतु हो, जो हेतु है जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता, जन्म को सिद्ध नहीं कर सकता, जन्म प्रयोजक जन्म के लिए जो हेतु है उसका असंभव रूप है ना, क्योंकि आपके पास दो ही वस्तु है सत अथवा असत वस्तु, दोनों से जन्म होना संभव नहीं है। रूपाद हेतु रीति अर्थ स्वतस्तु असत्वादि च प्रयोजकत्व अभिमतम, सतस्तु क्या हो जाएगा असत्वादि च, एक सत और एक असत, इस प्रकार से च प्रयोजकत्व अभिमतम, जो आप बोलते हो कोई कहते हैं सत से क्यों सत हो, क्या क्या बोलते हैं सदैव सोम इदम अग्रासी अथवा असत व इदम अग्रासी, इस प्रकार से सूत्र लगना सत से सत धर्म वाला सतस और सतस्त सतस्तु और असत्व आदि प्रयोजकत्व अभिमतम, इस मतलब ये जो इसके लिए हेतु है सत होना असत होना अथवा उभय रूप होना, इस किसी भी प्रकार से हेतु से जन्म होना संभव नहीं है, उसको दिखाने के लिए इस श्लोक आए हुए। अच्छा अब बोलता है वहाँ पर जो इतस्य न जायते किंचित, टीकाकर बोलते हैं इतस शब्दार्थमेव, इस कारण इतना मतलब इस कारण से भी, इस कारण से भी इसको समझाने के लिए इतर शब्दार्थ में, इतर शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है स्फोरे तुम उसका स्पष्ट करने के लिए जायमानम अनुत्य शोठा विकल्पयति है ना, जायमानम उत्पत्ति हो रहा है इसको अनुवाद करके छह प्रकार से विकल्प करके दिखाते हैं कि ये तुम जिस प्रकार बोलते हो इसको होना शोठा, छह प्रकार से शोठा छह प्रकार से जो अनेक था पंचधा षष्ठधा है ना, छोटा छह प्रकार से इसका विकल्प करते हैं, जाए छह प्रकार क्या क्या है सत से असत से सत असत मिल करके, और क्या बोला था आपका स्वतः परतो और सत परत मिल करके किसी भी प्रकार से उत्पन्न करें छह प्रकार के विकल्प यहाँ पे बोलेंगे। तो इतर शब्दार्थम एवं स्फोर तो इतर शब्द में क्या भाव छुपा हुआ उसको स्पष्ट करने के लिए भगवान भाष्यकार जायमानम अनुद्य जो सृष्टि हो रहा है उसको अनुवाद करके मतलब मान्यता देकर कहा बोलो इसको कैसे होना संभव है, शोठा विकल्प यदि छह प्रकार से उसका विकल्प करते रहते हैं। जायमानम वस्तु स्वतः परत उभयतो वा, ये तीन हो गया जायमानम वस्तु, हाँ जब जायमानम वस्तु मतलब जो पैदा हो रहा है, जो वस्तु पैदा जब जायमानम वस्तु है ना, जो वस्तु पैदा हो रहा है ठीक है ना, स्वतः परत उभयतवा मतलब अपने आप में अथवा दूसरे की मदद से अथवा दोनों मिलकर, ये हो गया एक ये तीन विकल्प, और एक नगर दूसरा तीन हो गया सत असत सद असत वा, सत से और असत से अथवा सत असत दोनों मिलकर वा जायते, बोलो किस प्रकार से उत्पत्ति होता है, जत जायमानम वस्तु स्वतः परत उभयत वा, ये तीन विकल्प होते हैं और सत असत सद असत होगा है ना, इसलिए बोलते हैं सद असत वा जायते किस प्रकार से उत्पत्ति है। ये जब प्रश्न पूछा तो चुप बैठा है, हम तो बोलते हैं जायते अस्थि वर्धते परिणाम अपक्षीयते, ये जो बोलते हैं ना क्योंकि ठीक से विचार करने वाले, जैसे मान लो सामान्य व्यक्ति में एक ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति आया कुछ खराब सोच रहा होता है धन सारे ठीक से नहीं बोलता, अब क्या है जिसको बोला अविवेकी व्यक्ति हुआ मैंने को गाली दी, अब विवेकी व्यक्ति वहाँ पर बैठा है वो क्या सोचेगा कि वो शादी शुदी किया ही नहीं इसका तो कोई साला हो ही नहीं सकता, ये मतलब ऐसे शब्द प्रयोग है, साला एक संबंध होता है ना पत्नी की भाई को साला बोलते हैं, तो शादी नहीं किया उसका साला कहाँ से होगा, हम शब्द प्रयोग करते कि नहीं करते, बस बस इतना ही है नहीं आ रहा समझ में कि जहाँ पे वास्तविक इस प्रकार संबंध होना वैसे प्रकार शब्द इस किसी व्यक्ति को कोई एक ब्रह्मचारी बोलते दस साल है तू नहीं सब भाई, जब उसने एक साला मतलब एक संबंध होता है
संबंध है, संबंध मतलब पत्नी के भाई को साला बोलते हैं, है ब्रह्मचारी तो उसके साथ साला संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सब लोग करता है कि नहीं करता? कर देते हैं। तो अविवेकी व्यक्ति सुन करके मैंने गाली दिया गुस्सा करेगा, और विवेकी व्यक्ति हंसेगा, क्या करेगा? हंसेगा, इसका साला होना संभव नहीं हो सारा। कबीरदास का इसमें एक चीज है, कबीरदास बोल रहे ज्ञानी ज्ञानी जब मिले रस का लूटम लूट, रस का लूटम लूट, अज्ञानी अज्ञानी मिले तो हो जाए सरफूट। ठीक बोला, बिल्कुल सरफूट, सब माता माता फूट हो जाए। ज्ञानी ज्ञानी जब मिले आनंद की हो लूट, ज्ञानी अज्ञानी हो जाए सरफूट। बस बिल्कुल सही यही है कि विवेक और अभिवेकी आप जाए थे अस्थि पद्धति आप बोलते हो ना, ये विवेक पूर्वक विचार करके बोलता था। लोग बोलते हैं ऐसे बोलते थे, लोग सारा बोलते ब्रह्मचारी वैसे ही बोल दिया, वो समझा कि सारा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार शब्द लोग मजा लेते हैं उसको, रामकृष्ण परमहंस साला बोलते कई बार बोलते हैं, इसलिए ये शब्द यही मन में आया, इसलिए आया कि ये शब्द कि देखो इस प्रकार शब्द प्रयोग होता है और विवेकी व्यक्ति इसका मजा लेता है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति व्यक्ति गुस्सा करता है। आप लोग बोलते हैं कि न किसी भी प्रकार से इसके लिए न तस्किन भी प्रकार है ना जन्म संभवती, किसी भी प्रकार से जो है इसका जन्म होना संभव ही नहीं। न तस् तस् दो नंबर ठीक बन मतलब जायमान तेन अभिमतस्य पैदा हो रहा है वस्तु, जिसको आप सोच रहे हो इस पर जहाँ पर आपका ऐसा अभिमत है, परंतु किसी भी प्रकार से उत्पत्ति होना विवेक पूर्वक देखोगे तो उत्पत्ति होना संभव नहीं है। हाँ प्रतीत हो रही है वो बात अलग है, परंतु विवेक पूर्वक देखोगे तो उत्पत्ति होना संभव नहीं है। न तस् तस् मतलब जायमान तेन अभिमतस्य प्रकार है ना जन्म संभव है, किसी भी प्रकार से वहाँ पे जन्म होना संभव ही नहीं है। अच्छा क्यों बोलता है न तावत स्वयमेव परिनिष्पन्न स्वयमेव अपरिनिष्पन्न स्वतः स्वरूप स्वयमेव जायते, ठीक है ये स्वतः स्वतः मतलब जो वस्तु पहले हो स्वतः है तब उससे कुछ वस्तु है तब तो उत्पन्न होता है, अभी तक तो अपरिनिष्पन्न उत्पन्न सिद्ध ही नहीं है वस्तु, उसको क्या काम करेगा मन? स्वतः वस्तु पहले से था, स्वतः मतलब जो वस्तु विद्यमान है अपने से अपने को उत्पत्ति कर रहे हैं स्वयं, आप किसी का मदद नहीं लेकर के अपने को उत्पत्ति कर रहे हैं। आप बताओ वो जिसका स्वतः तुम बोल रहे हो पहले विद्यमान है कि नहीं है? विद्यमान है तो उत्पत्ति क्या प्रयोजन है, यानी कि विद्यमान नहीं है मान करके तुम उसको उत्पत्ति का मान, अरे विद्यमान नहीं है वहाँ पर कैसी क्रिया, कुछ किसी भी क्रिया हमारा संबंधित नहीं है। जरा विचार करके देखो इस चीज को, ये तुम जो उत्पत्ति बोलते हो स्वतः परंतु बात तो स्वतः अपने से अपने उत्पत्ति के हैं, अपने से अपने की उत्पत्ति मतलब मैं अपने को पहले विद्यमान है मेरा, मैं पहले विद्यमान थी और मैं एक दूसरे रूप में उत्पन्न हो गया, जो जादू कर अपने को अनेक रूप में देखा था, पहले कुछ वस्तु है अनेक अनेक रूप बदल करके आते हैं। तो ये वस्तु यदि आपके पास पहले है कि नहीं है, यदि है तो उत्पत्ति की क्या आवश्यकता है, यदि नहीं है तो उसमें कैसे व्यापार होना संभव, इसलिए सतत उत्पत्ति नहीं हो सकती। मैं बोला भाई मानव को कारिका आपको बहुत बुद्धि को सूक्ष्म कर देगा कि विचार दृष्टि क्या है, क्योंकि उत्पत्ति न तावत स्वयमेव अपरिनिष्पन्नत्वात्, क्योंकि वो अपने आप में अभी तक विद्यमान अपरिनिष्पन्न मतलब संपादित नहीं होने के कारण स्वतः स्वरूप स्वयमेव जायते, अपने स्वरूप से अपने आप उत्पत्ति आप कह नहीं सकते क्यों, अपरिनिष्पन्नत्वात् हेतु है, स्वतः स्वरूप स्वयमेव जायते इति न संभवति कस्मात् अपरिनिष्पन्नत्वात्। स्वतः संस्कृत में इसका अर्थ क्या है? तशित पद अपने से, ये पंचमी अर्थ में आता है, स्व मतलब अपना और अपने से, स्वतः अपने से, इसीलिए हमें बोलते हैं कि न तावत स्वयमेव अपने आप ही अपरिनिष्पन्नत्वात्, अपने आप मतलब वहाँ पे संपादित हुआ ही नहीं वस्तु है नहीं, स्वतः अपने से स्वरूप अपने स्वरूप से स्वयमेव अपने आप ही उत्पन्न होता है, स्वयमेव जायते ये न संभवती न तपत संभवती, न तपत है न तपत संभवती अभिप्राय है, है? क्योंकि अस्मात् हेतु क्या है अपरिनिष्पन्नत्वात्, जैसे यथा घट सस्मादेव घटात्, जैसे कोई घर अपने एक जो खड़ा है वहाँ पे वो खड़ा अपने घड़ा से अपने घड़ा से और घर उत्पन्न हो जाए ये तो होना संभव नहीं, यदि घट नहीं है तो भी संभव नहीं है, दत्त है तो भी संभव नहीं है, ये दोनों वस्तु संभव नहीं है। अब फिर भाष्य के पहले एक बात है, अपने भाष्य में ना भी परत
और दूसरे से भी नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। क्यों? अन्नस्मात् अन्न, एक दूसरे से दूसरा वस्तु उत्पन्न हो जाए, एक दूसरे से एक दूसरा वस्तु उत्पन्न हो जाए, ये भी आप नहीं कह सकते। तब क्या होता? घर से पट की उत्पत्ति होती, पट से गाय की उत्पत्ति हो जाती। इसीलिए होता है ना मरक अन्नस्मात् अन्न यथा घटात् पटः पटात् पटांतरं वा, एक पट से दूसरा पट उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले एग्जांपल दिया, एक घट से दूसरा घट, घट का उत्पन्न नहीं होता। शब्द मतलब यहाँ पे क्या है, अपने आप पे घट, देख अपने आप को उत्पन्न नहीं कर सकते। घट तस्मादेव घटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, घट से घट का नहीं बोलते हैं, उसी घट से, शब्दों को ध्यान दीजिए, घट तस्मादेव घटा, और यहाँ पे अन्न घट से, सेम घट से, हाँ यहाँ पे नहीं बोलते ना, घट तस्मादेव घटा, जो घट वहाँ पे विद्यमान है अथवा नहीं, जो भी बोलो उसी घट से, वही घट की उत्पत्ति हो जाए तो सब उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ना भी परत अन्न से भी नहीं होगा, मतलब परत मतलब अन्नस्मात् अन्न, यथा घटात् पट अथवा घट पटात् पटांतर, यहाँ पे क्या होता है, उसी पट घट से उसी घट का, मतलब यहाँ पे नहीं है, एक पट से दूसरा पट का, ये दोनों उत्पन्न होना संभव नहीं है। ये जब दो कैटेगरी तो नहीं हो सकता है। अभी तथा न उभयत, सत्व परत दोनों मिल करके जो हम एक साथ कोई बुद्धि उत्पन्न करेगा वो भी होना संभव, विरोधा आपके दोनों में विरोध है, जैसा घट पटाभ्याम दो वस्तु हो गया, एक घट एक पट, घट और पट मिल करके दोनों मिल करके घट और पट उत्पन्न करेगा, अथवा एक घट अथवा एक पट उत्पन्न करेगा, नहीं हो सकता। आपका मतलब जो ये प्रतिज्ञा आपको किसी भी स्थान में व्यभिचार करते नहीं घटते तो व्यभिचार ही हो जाता है वो प्रतिज्ञा। तो यथा घट पटाभ्याम घट पटोमा न जायते, जिस प्रकार घट और पट दोनों मिल करके भी घट और पट ना हो, किसी दोनों में से किसी एक को घट और पट दोनों मिल गया, मिल करके एक नया घट उत्पन्न कर दो अथवा नया पट उत्पन्न कर दे, ये भी होना संभव नहीं। इससे स्वतः परत आप सतपट मिला कर थर्ड क्यों देखो बोलते हैं अब पूर्व यहाँ तक सिद्धांत पक्ष बोला, वहाँ पे विरोधात् के ऊपर टिप्पणी दिखाई दे रहा है। विरोधात् अदृष्टचरत्वात्, मतलब दृष्टचर नहीं है अदृष्टचर है, आपका ये सिद्धांत दिखाई नहीं देता है, आप कल्पना मात्र अदृष्टचरत्वात्, इस प्रकार विचरण करता है जो नहीं, जो मतलब विचरण करता है जो नहीं दिखाई देता। शब्द प्रयोग यहाँ पे ना थोड़ा भूमा का शब्द प्रयोग करते हैं, अदृष्टचरत्व, दृष्टचर मतलब जो दिखाई पड़ता है, अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता, देश नहीं दिखाई पड़ता, विरोध आती है, विरोध है यहाँ पे। न तो जनकता इति भाव अदृष्टचरत्व न तो जनकता, इसलिए उसमें जनकत्व धर्म दोनों मिल करके उसमें जनकता रूप धर्म, तस्व भावे ततलो है ना, मतलब दोनों मिल करके जन्म जन्म में जनकत्व आ जाएगा, ये होना संभव नहीं है, जनकता इति भाव। अच्छा पूर्वादि बोल रहे, ए तुम अंधे हो क्या, वेदांति को बोल रहे, तुमको पिता से पुत्र उत्पन्न होते नहीं दिखाई दिया, मिट्टी का घर उत्पन्न होते नहीं दिखाई देता तुमको, तुमको तो जन्म होता संभव ही नहीं है। बोलते हैं धनु मृदो घट जायते पितुश्च पुत्र, ठीक है ना, शंकरवाड़ी बोल रहे, ए तुम अंधे हो क्या, व्यवहार नहीं देखते हो क्या, मैं तुम्हें तुमको नहीं दिखाई देता, मृदो घट जायते मृतिक से घर उत्पन्न होता है, और क्या पितुश्च पुत्र, पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है। अब हम बोलते ठीक है, शब्द प्रयोग के उत्तर शब्द प्रयोग और उसके प्रत्यानंद वृत्ति है ना, पुत्र पिता से पुत्र उत्पन्न ये वृत्ति दोनों ही बोलते हैं सत्यम अस्ति जायते इति प्रत्यय है ना, हाँ पैदा हो रहा है इस प्रकार एक वृत्ति मन में उठती है सत्यस्य, और एक शब्द भी प्रयोग करते हैं परंतु कौन लोग करते हैं जानते हो, अभिव्यक्ति अभिवेक लोग करते हैं, कितना बड़ा स्टेटमेंट है, देखो बोला ना सुन कि अभिवेक को लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं अस्ति जायते इति प्रत्यय। अब देखो ये सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, ये व्यासकाचार्य की निरुक्त की जो निरुक्त वेदांत है उनमें निरुक्त वेदांत व्यासकाचार्य बोलते हैं किसी भी भाव वस्तु में चाहे विकार है तो बोलते हैं चाहे विकार है जायते अस्थि वर्तते विपरीण पक्षी ये तो जायते अस्थि, इस प्रकार जो भाव विकार है ये पारमार्थिक नहीं है, उन भी बोलते इसलिए विकार बोला उसने, इसलिए जायते अस्थि अभिवेकी व्यक्ति इसको सत्य मान लिए, इसलिए बोलते हैं अस्थि जायते इति प्रत्यय निरुक्त वेद है शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण वेद एक वेदांग है निरुक्त निरुक्त वेदांग के आचार्य है व्यासकाचार्य। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं उनको भी उनको शब्द से तो नहीं बोला
परंतु जो लोग इस प्रकार उत्पत्ति को सत्य मानते हैं, उत्पत्ति को सत्य मानते हैं, वो विचार उतना विचारशील नहीं है, उतना विचारशील नहीं है। जो बोलते हैं अस्ति जायते इति प्रत्यय शब्द से मूढ़ाना, जो प्रत्यय और शब्द आप बोलते हैं किसी किस वस्तु को जन्म होते हुए देखा, हमने सुनते सुनते आगे जन्म हुआ पैदा हुआ बढ़ा, ये जो है विप्रयोग मात्र हो रहे हैं, किंतु ठीक से विचार करके आप देखेंगे किसकी जन्म हो रहा है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प की, जब तक हमको सर्प रज्जु के अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता तब सर्प उत्पन्न होगा, बोलते हैं लोग व्यवहार करते हैं भागते हैं और डंडा लेकर के आते हैं मारने के, सभी होता है व्यवहार, कब तक, जब तक हम अधिष्ठान के ज्ञान नहीं होते। इसलिए बोलते हैं अस्थि जायते इति प्रत्यय शब्द से, ध्यान देने यहाँ पे ये शब्द प्रयोग और शब्द प्रयोग से उत्पन्न होता है वृत्ति मनोवृत्ति, यानी वृत्ति और उसके शब्द प्रयोग है ना, मूल अभिव्यक्ति व्यक्ति का होता है, तो एवं शब्द प्रत्यय हो विवेकी भी परीक्षित है, वही दोनों शब्द और उसकी संबंधित जो वृत्ति वो विवेकी व्यक्ति के द्वारा उसका परीक्षा किया जाता है, किससे किसका जन्म हो रहा है, किससे किसका जन्म हो रहा है। इसलिए होता है तो एवं शब्द अशब्द प्रत्यय, कोई शब्द प्रयोग किया और शब्द से जो मन में वृत्ति होती है दोनों का विवेकी भी विवेकी व्यक्ति के द्वारा परीक्षित है, परीक्षा किया जाता है दोनों को, किम सत्यम एवं तो मृषा है ना, वो दोनों स्कूतर उतर मतलब बाहर तक कूतर सत्यम एवं तो मृषा ही दोनों सत्य है अथवा विद्या विवेकी व्यक्ति विचार कर रही है। जागता परीक्षा माने जब तक उसका निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता तब तक वो उसको परीक्षा चलता रहता है, परीक्षा करते करते शब्द प्रत्यय विषय वस्तु, शब्द प्रत्यय का जो विषय वस्तु घट पुत्र आदि लक्षण जिसका अपने वृत्ति का से घरा बोल रहे हैं पुत्र बोल रहे हैं ना, वो क्या शब्द मात्र में एक शब्द मात्र ही है, क्यों श्रुति बोलते हैं वाचार मन विकारणां देहं वृत्ति गैत्येव सत्यम्। विचार करते करते क्या देखते हैं, अरे एक मात्र कारण वस्तु ही एक किसी निमित्त से एक संस्कार, कौन सा वाचार मन छांद को कौन सा षष्ठ अध्याय द्वितीय खंड का पहला मंत्र होना चाहिए, अथवा द्वितीय मंत्र द्वितीय खंड नहीं है, वाचार मन विकारणां देहं वृत्ति गैत्येव सत्यम्, शुरू में सदैव शुद्ध बुद्धि नमक रास उसकी ठीक है। तो शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घट पुत्र आदि लक्षण शब्द मात्र भी होता है, तो केवल मात्र शब्द मात्र ही है, क्योंकि श्रुति अपने आप बोलती है, श्रुति अपने आप क्या बोलते हैं, क्या वहाँ पे घटना क्या दिखाया कि वहाँ पे क्या दिखा, एक व्यक्ति अपने गाँव से दूसरे गाँव में जा रहा था, जाते समय किसी कुम्हार के घर में उसके आंगन में मिट्टी का ढेर देखा, दो तीन दिन बाद जब वापस आता है तो वहाँ पे क्या देखता है, अनेक सारे मृत्तिका के बने हुए मतलब उपकरण पड़ा हुआ है, तब अरे मैं जाते समय जिसको मृत्तिका को देखा था वही मृत्तिका या भी अलग अलग आकार को लेकर के अलग है, पहले एक ही नाम था मृत्तिका, अभी क्या हो गया घरा कुल्लर कस्तरी घर के सब अलग अलग नाम हो गए, तो क्या हो गया बाचार मनुका, आज थोड़ा दिखाई पड़ रहा है एक ठोकर लग जाएगा सब फिर मृत्यु बदल जाएगा, नाम धेय पानी के द्वारा जिसको बोला जाता है ना वो विकार मात्र है, वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, वाचारम जो नाम नाम धेय मतलब धेय मतलब सार्थिक प्रत्यय है, मतलब नाम मात्र ही है, मृत्यु का इत्येव सत्य वस्तु के मूल कारण ही सत्य है, वास्तविक है मूल कारण ही सत्य है। तो यहाँ पे आप श्रुति ने अपने आप दिखाया, सूर्य आपने आप भी देखा है, इस अर्थ मतलब इस अर्थवाद प्रक्रिया की उपयोगिता क्या है कि अन्न सम शुंगे न अपमूल अन्य ये पृथ्वी रूपी कार्य को देख करके आप पृथ्वी का कारण क्या है उसका अनुसंधान, कोई भी कार्य को देख करके कारण का अनुसंधान करते करते जब पृथ्वी तक पहुँचाओगे पृथ्वी के बाद उसका कारण होगा जल, फिर जल का कारण कौन होगा अग्नि, अग्नि का ये भी कार्य है, इस प्रकार से आप आकाश का कारण जो सब तक पहुँचोगे उसके पीछे कारण अनुसंधान करोगे, श्रुति बोलते हैं पुरुषात्मा परम किंचित साकाष्ठा समाना, ठीक है ना, यही मूल कारण, इस मूल कारण तक पहुँचाने के लिए इस प्रक्रिया को श्रुति ने अपनाया, ठीक है ना। इसलिए विवेकी व्यक्ति विचार करने पर विवेकी व्यक्ति जैसे सुवर्ण भी विचार करके अलंकार का मूल्य नहीं देता सुवर्ण का मूल्य देता है कि नहीं, सुवर्णविद विचारक सुवर्ण को जानने वाले व्यक्ति सुवर्णविद अलंकार का मूल्यांकन नहीं करते सुवर्ण का मूल्यांकन करते, इसी प्रकार परीक्षण विवेकी व्यक्ति नाम रूप का विचार नहीं करता, नाम रूप के पीछे कौन सत्य तत्व छुपा उसको लेकर के विचार करता,
ये अभिप्राय से प्रश्न बोला जाए, इसलिए कि तब एव शब्द प्रत्ययो सत्यम अस्ति जायते इति प्रत्यय शब्द से मूढ़ाना, तब एव शब्द प्रत्ययो शब्द और प्रत्यय दो ध्यान देना। जैसे हमने शब्द शब्द प्रयोग किया गाय, हमने शब्द प्रयोग किया गंगा जी, तो आपको मन में तुरंत एक वृत्ति उठती है धारा की, गाय समय एक वस्तु की, मतलब नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया शब्द अर्थात संबंधित प्रत्यय वृत्ति। इसलिए बोलते हैं कि शब्द प्रत्यय विवेकी भी विवेकी व्यक्तियों के द्वारा परीक्षित, जब उसको परीक्षण किया जाता है कि सत्यम एव, तो ये दोनों पारमार्थिक शब्द वस्तु है अथवा केवल व्यवहार मात्र के लिए प्रयोग करा है, उत वृषम अथवा मिथ्या, मिथ्या मतलब व्यवहार है परंतु पारमार्थिक सत्य नहीं है। यदि जागरूकता परीक्षा माने जब तक इसका निष्कर्ष नहीं पहुँचता तब तक परीक्षा करते करते शब्द प्रत्यय विषय वस्तु, इस प्रकार शब्द और शब्द की प्रत्यय से कब समझ में आता है जो वस्तु हो, वस्तु कौन है पहले बोल करके ना, वृद्धो घट हो जाते अथवा पितु पुत्र हो जाते, जो उत्पन्न कौन है घट अथवा पुत्र आदि लक्षण, अब इसके तरह लक्षित होता है जो वस्तु ना, वो शब्द मात्र में था, वो शब्द मात्र वाचारम्भन मात्र है, वो उसमें कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये बता इस प्रकार श्रुति बोलते हैं वाचारम्भनम, वाचो का तो छोटा लगा दिया एक शब्द, वाचारम्भनम विकारणाम ध्येयम वृत्ति का इत्येव सत्यम, ये पूरा सेंटेंस ऐसा है, यही बार आए हैं ये दोनों, हमारे ये हमारे पास ट्रम कार्ड है, कार्ड खेलते हैं उसको ट्रम कार्ड बोलते हैं, जिससे वो इसको भी कितना भी दिन छोटा सा भी होगा वो वैल्यूएशन में मतलब ट्रम का मतलब जो पत्ता जीत लेते हैं, ऐसे ही हमारे भारतीय जो वैदांतिक जो है ये लोग से बाजार मन विकार और नीति नीति श्रुति, ये ट्रम कार्ड जैसा ही है, इसके सामने उसका बोलते इसलिए बाजार मनम तीस रुपये है इस प्रकार से। ये हो गया आपका कि स्वतः परत और उभय तो होना संभव नहीं है, ये फर्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट सत चेत, यदि सत से उत्पन्न होगा, सत चेत न जायते सत्वा मृत पिंडादिवत, यदि वस्तु विद्यमान है तो फिर उत्पत्ति की क्या आवश्यकता है, विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। सत चेत न जायते, यदि सत है तो उसका उत्पत्ति होना संभव नहीं, क्योंकि ऑलरेडी विद्यमान है, सत्वा विद्यमानता रहने के कारण मृत पिंडादिवत, जैसे मृत्यु का के पिंड के जैसे उत्पन्न होना संभव नहीं है, इसी प्रकार जो है असत का उत्पत्ति होना संभव नहीं है। यदि असत तथा बिना जायते, यदि असत है असत का भी उत्पत्ति नहीं होते, असत्वादेव विद्यमान नहीं रह के करें, जैसे शस्य विषाण आदिवत, शस्य विषाण के समान करगत सिंह अथवा आकाश कुसुम के समान, अथवा यदि आप ऐसा कहते हो क्या सत असत दोनों मिलकर के हो जाएगा, सद असत दोनों मिलकर के हो जाओ, अतः सद असत तथापि ना जायते, क्यों विरुद्ध से एक असंभव, एक विद्यमान एक अविद्यमान दोनों वस्तु मिल गया, अब मानोगे कि नहीं मानोगे, सत्य के उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्यों विद्यमान घट से घट की किससे घट है, मृत्तिका से घट ना, घट से मृत्तिका से मृत्तिका घट से घट है, दृष्टांत दिया मृत पिंडाधिवत सत चेत न जायते सत्ता मृत पिंडाधिवत, मृत पिंड से मृत पिंड की, घट से घट की, पट से पट की उत्पत्ति, यदि सत असत यदि असत है तथा न जायते, क्यों नहीं होता, असत्वात वह विद्यमान है ही नहीं, जिस प्रकार कोई सशस लिंग की उत्पत्ति नहीं होती, आकाश कुसुम की उत्पत्ति नहीं होती, न आकाश कुसुम की उत्पत्ति होती है, न आकाश कुसुम से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती, आप बोलेंगे नहीं तो दोनों मिल करके हो जाएगा, आज आज तक बताओ कि एक विद्यमान वस्तु और एक अविद्यमान वस्तु में मिल हुई कि नहीं, अरे जो है नहीं वो किससे मिलेगा, विद्यमान अविद्यमान वस्तु में मिली कैसे तुम बोल सकते हो, विरोध है, वो तो है ही नहीं, उससे मिलेगा दो वस्तु तब तो उसका मिलन होता है, ऐसे है बोलते हैं तथा सत असत तथापि न जायते विरुद्ध से एक असंभव, तो विरुद्ध वस्तु एक हो जाए ये होना संभव नहीं है, अतः इसलिए न किंचित वस्तु जायते सिद्धम, छह प्रकार से विकल्प करके बस ये दिखा दिया ग्रंथकार ने कि वस्तु की पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अतः दो नंबर टिप्पणी में अतः मतलब विरुद्ध से इत्यादि विरुद्ध से एक टिप्पणी कहाँ पे है, विरुद्ध दो नंबर टिप्पणी लास्ट लाइन में विरुद्ध से एक लास्ट लाइन आता
देखो वहाँ पे क्या बोलते हैं, विरुद्धयोर उभयोर असंभव। हाँ आप ठीक बोला, वो दो नंबर टिप्पणी जहाँ जो औते के ऊपर लगा हुआ है उसको विरुद्धस्य के ऊपर लगाइए, ठीक है। जो दो नंबर टिप्पणी है वो जो औते के ऊपर लगा हुआ है वो विरुद्धस्य के ऊपर लगाइए, ठीक है, ठीक है ना। हाथ से लिखा हुआ है विरुद्धस्य इत्यादि, विरुद्धस्य एकस्य असंभव, मतलब विरुद्धयोर उभयोर दोनों एक दूसरे दो एक दूसरे का विरोधी है। जैसे तम प्रकाश हो गए विरुद्ध स्वभाव है, वो मिल नहीं सकता। विरुद्धयोर कोई उदाहरण उभय सत असत दोनों मिलकर कहीं भी ले लो, कोई भी दृष्टांत तो आप ही अपने आप लगा लीजिए। अंधेरा और प्रकाश, एक ऐसा कोई पुत्र और एक बंधा पुत्र दोनों मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, कोई कहते हैं तो आप मानोगे नहीं मानोगे। ऐसा जो हमने जो है रजनीगंधा फूल के साथ, रात की रानी फूल के साथ हमने आकाश को उसमें मिला करके माला बना करके किसी को पहनाया था, मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि दोनों को मिल कैसे हो सकता है। इसीलिए आप बोलते हैं विरुद्धस्य इत्यादि, विरुद्धयोर उभयोर तो विरोधी वस्तु है, एकात्मक तो दोनों मिल करके एकात्म हो जाए असंभवा दो असंभव, संभव ही नहीं है। इति अर्थ इसका विपरीत अर्थ है, अतो न किंचित वस्तु जायते इति शुद्धम, इसलिए कोई वस्तु उत्पत्ति होना संभव नहीं है। अब जब इस बीच में बौद्धवादी खंड सुन रहे हैं, हाँ हाँ इसीलिए तो मैं इतना भेद नहीं मानते हूँ, हम लोग एक ही विज्ञान को मानते हैं, स्वत असत अथवा सत असत पर सतो पर कुछ नहीं है, एक विज्ञान है कोई सब काम करता है, इसमें झंझट नहीं है, इतना लफड़ा नहीं है। ये शाम पुनः जनिरेव जायते, मतलब जिस व्यक्ति के बीच बाकी के सिद्धांत के अनुसार जो पैदा हो रहा है वही जो है जायते, जन्म भी वही जन्म है। तो मतलब पैदा होना और जन्म दोनों एक वस्तु नहीं है, पैदा होना और जन्म ये एक वस्तु नहीं है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे देशाम देश देशाम पुनः जनिरेव जायते, जिसके इसमें जनी मतलब पैदा होना हो रहा है जन धातु से, और जायते वही बताए इति। इस प्रकार से क्रिया कारक फल एकत्म अभ्युगमनते, मतलब क्या हो गया ये चलना रूपी क्रिया, क्रिया कारक हो गया कुछ चलने वाला, ठीक है ना। उसका फल क्या हो जाता है कहीं पर आपने पहुँचा, यहाँ पे आसानी से समझ में आता है, क्रिया हो गया आपका चलना और कारक हो गया चलने वाला, और इस प्रकार द्वारा आपको फल क्या हो गया किसी जगह पे आपने पहुंचा, तो क्रिया कारक फल तो एक ही। इसी प्रकार पैदा होना, और पैदा होना मतलब कारक मतलब किसी एक वस्तु के आश्रय करके पैदा हो रहा है वो, और उसका फल क्या उस अस्थि रूप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। ये जो तीन वस्तु है क्रिया कारक फल, ये तुम इस भेद में होना संभव नहीं बोल रहे, हाँ हम भी यही बोलते हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं एक ही वस्तु है, क्या है विज्ञान मात्र आलोचनिक। ये बोलते हैं क्रिया कारक फल एकत्व अभ्युपगम्यते, और क्या कहते हैं क्षणिकत्व जो वस्तु और वस्तु कैसा है क्षण एक क्षण है, ते दूरत एवं न्यापेतः, उनकी सिद्धांतों को दूर से युक्ति से विरोधी है, उसके सुविचार करने से लाभ नहीं है। येषाम पुनः जनिरेव जायते, तीन नंबर टिप्पणी बोलते हैं येषाम की भूतिर येषाम क्रिया सा एव कारक सैव च उच्यते। देखिए भूति मतलब होना, भू सत्ताया धातिया होना रूपी क्रिया हो रहा है, ठीक है ना, वही कारक है। कारक मतलब कर्ता कर्म कारण संपादन पर वही है, क्रियावत्तम कारकत्तम क्रियावत्तम कारकत्तम। इसलिए आप बोलते हैं भूति जेशाम क्रिया मतलब होना, जिसे एक क्रिया जिन लोगों के मन में होना एक क्रिया है, आश्रय व कारकम वही जो है कारक भी है, क्रिया जिसके आश्रय में होता है वो कारक होता है, क्रिया अलग है कारक अलग है। कर्ता के आश्रय में क्रिया होता है और जो क्रिया को संपादन वो कर्म होता है, जिस कर्म के कर्ता संपादन करके कर्म कारक होता है। किसी को कुछ दिया तो संप्रदान होता है, किसी को कुछ लिया तो अपादान होता है, जिसके साथ संबंध रख के व्यवहार करता सृष्टि होता है, और जिस जहाँ पे बैठ करके काम करता वो अधिकरण होता है,
ये कारक अलग अलग होता है। अधिकरण में बैठ के काम करने वाला नहीं, जिसे अधिकरण कार्य जहाँ है उससे जो व्यक्ति वाला भिन्न है, ये सब एक ही मानते हैं। कौन विज्ञानवादी को मांडुक को कारी का, तो ये कारक से आया कारक जो लिखा वो कृतांश से बनता है कार्य का, मतलब कृतांश से बनता है कार्य का, मतलब मंडुक को कारक एक चीज है और कारिका है बहुत पद। कारिका को एक कारिका एक श्लोकबद्ध रूप से कोई विशेष चीज को, श्लोकबद्ध रूप से कोई विशेष चीज को मतलब जो बना उसको अभिव्यक्त करने के लिए वार्तिक से और कारिका में भिन्नता अपने स्वतंत्र विचार यहाँ पे लाए वो हो गया कारिका। और वार्तिक क्या होता है कि उक्त अनुक्त दुरुक्त जो भाषण है उसको अभिव्यक्त करने के लिए वार्तिक है। और कारिका क्या होता है इसी के अंदर छुपा हुआ रहस्य को जो विचार करके निकलोगे कारिका। वार्तिक में तीन क्या क्या बोला, उक्त अनुक्त दुरुक्त जो कहा उसी को स्पष्टीकरण के लिए, जो नहीं कहा उसी को भी बोलने के लिए, अथवा जो कठिन शब्द प्रयोग किया उसका अर्थ निकालने के लिए जो श्लोकबद्ध रूप से जो लिखा जाता है उसको वार्तिक बोलते हैं। और कारिका क्या होता है कि कारिका होता है कि किसी वस्तु को पढ़ के उसके अंदर छुपा हुआ जो रहस्य है उसको अभिव्यक्त करने के लिए बताइए बोला था मांडू का मैंने बोला बहुत पादे कारिका। यहाँ पे शुरू में जहाँ पे कार्य का शब्द आया हुआ है ना, कार्य का सामान्य अर्थ जो सब परिभाषा मतलब शास्त्रीय परिभाषा दिया है वो मैं लिखा हुआ था दिया है ना। ये कारिका मतलब यही है कि जो है कि जिस आपने अभी तक जो है आपने उपनिषद मंत्रों को पढ़ा, उपनिषद मंत्रों को पढ़ने के बाद भाष्यकार उसका भाष्य किया, उस मंत्रों को पढ़ने के बाद उसके अंदर जो चीज छुपा हुआ अर्थ है उस छुपा हुआ रहस्य अर्थ को जिसके माध्यम से खोला जाता है भाष्यकार को देखिए भाष्यकार को सामान्य अर्थ कर दिया परंतु उसके अंदर छुपा हुआ अर्थ जो है वो बहुत पता चल पहले कह करके उसको अलग करके भाष्य दे दिया। कार्य का अलग है मूल, अलग है मूल मंत्र उपनिषद मंत्र अलग है। उपनिषद मंत्र से जिस प्रकार आपका जो अद्वैत प्रकरण जो है शांतम शिवम अद्वैतम ये जो अद्वैत को उसका व्याख्यान है, फिर जो है नांत प्रकरण भीष्म प्रकरण से अद्वैत प्रकरण, इसलिए एक एक मंत्र एक एक प्रकरण के लिए आधार है ऐसा पहले हम कह करके आया। तो कार्य का मतलब इतना ही होते हैं कि उपनिषद में आए हुए है जो रहस्यमय बोध उसको जो जिस श्लोकबद्ध रूप से जिसको अभिव्यक्त उसको कार्य का बोध होता है श्लोक रूप में होता है, कार्य का गद्यात्मक नहीं होता, कार्य का अथवा वार्तिक जनरली गद्यात्मक उसी को जो है बोला जाता है येषां पदार्थानां, इसी को समझा येषां पदार्थानां भूति जन्म सैव तेषां क्रिया कारकम अपि, उसका क्रिया भी है कारक भी है ना, जहाँ पे क्रिया हो रहा है वो हो गया कारक, क्रियावत्तम कारकत्तम क्रिया वाला जो वस्तु है वो हो गया क्रिया अलग कारक अलग, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे बदन रूपी क्रिया हो रहा है, बदन रूपी क्रिया हो गया क्रिया, और क्रिया का जो आश्रय हो गया बागेंद्रिय उसका भी आश्रय हो गया वो जो व्यक्ति जो नजीव, इसलिए ये दोनों एक नहीं हो सकता है, इसलिए आप बोलते हैं येषां पदार्थानां भूतिर जन्म सैव तेषां क्रिया कारकम अपि, क्रिया भी है कारक भी है फलम च, उसका फल भी है चकिति बौद्ध समय, इस प्रकार बौद्धिक सिद्धांत बौद्धवादी का सिद्धांत है ये क्रिया कारक और फल एक ही है। मतलब क्या हो गया जो जन्म रूपी क्रिया हो रहा है वो जिसमें हो रहा है वो उसका आश्रय भी है और फल भी क्या है जन्म ही है, लेकिन जन्म एक क्रिया है, जन्म क्रिया किसी का आश्रय में होता है, जिस प्रकार जन्म में क्रिया है जिसे पुत्र जन्म मातृगर्भ से जब पुत्र का जन्म होता है तो उस पिंड का निकालना मातृ को जन्म रूपी क्रिया है, तो जन्म रूपी क्रिया और जहाँ पे हो रहा है वो पिंड में जो पिंड मातृगर्भ से निकाल वो अलग है, और उसको मिल करके जो रिजल्ट निकला कि वो क्या हो गया अस्तित्व दिखाई दे रहा है, हाँ ये पुत्र सामने आ रहा है, ये तीनों के एक मान लिया उन लोगों ने,
इन तीनों को एक मान लिया उन्होंने, एक क्षणिक बौद्धवादी, क्षणिक क्षणिक विज्ञान, विज्ञानवादी बौद्ध, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध, ये ऐसा मानते हैं। और हमारे यहाँ पे तो तीन अलग अलग लेकर के विवाद हो रहा है यहाँ पे, इसको लेकर के यहाँ पे बोलते समझ में कि एक क्रिया कारक और फल, यहाँ पे इसको जगह समझे तब आपको पता रहेगा क्रिया कारक और फल कैसे भिन्न होता है। दिमाग में सारा चीज बैठा हुआ है, इसलिए वो सीधाचार्य एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति शास्त्र पढ़कर जानता है कि क्रिया क्या होता है, कारण क्या होता है और फल क्या होता है। क्रिया से उत्पन्न होता है फल और किसी कारक के द्वारा संपादन होता है। कारक मतलब कर्त कारक हो सकता है, कर्म कारक हो सकता है, कर्म उसके द्वारा क्रिया की संपादन है। क्रिया एक अलग वस्तु, कारक एक अलग वस्तु, फल एक अलग वस्तु, पंत तीनों के एक मान लिया। इसलिए तो बोलते हैं ये दृष्टांत को देखो ना, जैसा पदार्थ नाम भूति जन्म, जिस पदार्थ का जन्म हो, जिन पदार्थों का जन्म हो रहा है। अब देखिए एक चीज और देखिए, आप घरे की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है ना। अब घर आप उत्पत्ति करने के लिए जो व्यापार हो रहा है वो अलग है, और घर जिसमें उत्पत्ति और जिस वृत्ति का उपादान कारण उसमें से घर उत्पादन और उसका फल क्या है, घर आपको सामने दिखाई दे रहा है, तीन अलग वस्तु। घर आप उत्पन्न करने के लिए एक व्यापार हो गया कारण, कारण का आश्रय होगा, और उससे जो है आपका जन्म जिसमें हो रहा है मतलब वृत्ति का में हो रहा है वो उसका आश्रय है, और उसका फल उत्पन्न होकर के खड़ा हो गया। ये तीन अलग वस्तु है, वृत्ति का अलग, व्यापार अलग, घर अलग, मतलब तीनों के एक ही मान, तीनों के एक ही मान लिया। ये विज्ञानी बुद्धि सब कुछ होता है, ये ऐसा मानना। इसलिए जैसा पदार्थाना भूति जन्म शैव तेषां क्रिया कारकम विफलम च इति बौद्ध समय, समय मतलब सिद्धांत, बौद्धवादी का सिद्धांत ऐसा है। जनि देव मतलब जन्नाकार विज्ञानम है ना, ये जनि मतलब ये पैदा, जन्म मतलब उत्पन्न होना रूपी जो विज्ञान ज्ञान बोध आपको, जनिरेव जायते है ना, जनिरेव जायते देशा पुनर्जनिरेव जायते मतलब ये जनि रूपी जो क्रिया हो रहा है और वो जो क्रिया कोई जो है क्या हो गया वस्तु का उत्पन्न रूप में कहते हैं। इति इस प्रकार से क्रिया कारक फल एकत्तम अभ्युपगम्यते, क्रिया भी जो क्रिया है वही कारक है वही फल है, इस प्रकार तीनों एक है, इस प्रकार से मानते हैं। इच्छा और क्या मानते हैं, क्षणिकत्तम च वस्तु, वस्तु क्या है क्षणिक है, एक क्षण में ते दूर देव नया पे, तो दूर से न्याय से बाहर है। क्यों आप जो बोलेंगे ये वस्तु ऐसा है, ये वस्तु इदम इत्थम इति अवधारण, ये वस्तु ऐसा है, इस प्रकार निश्चय करने के लिए जो वस्तु उत्पत्ति होते ही नाश हो गया उस वस्तु संबंधित ऐसा निश्चय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो वस्तु उत्पत्ति होते ही नाश हो गया, इस प्रकार मान लीजिए कि जो बच्चा मातृगर्भ से निकलते ही उसका शरीर पूरा हो गया मतलब मृत्यु हो गया, वो बच्चा ऐसा था ऐसा बोला जा सकता है, कुछ नहीं बोला जा सकता है। इदम इत्थम इति अवधारण, ये वस्तु ऐसा, इस प्रकार से निश्चय करना क्षणांतर अनवस्थाना अवधारण इति अवधारण क्षणांतर अनवस्थाना अनुभूत स्मृति अनुभव करते, ये आप अवधारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक क्षण में दूसरा क्षण में वस्तु रहता ही नहीं है, इसलिए ये वस्तु ऐसा है ऐसा आप कह ही नहीं सकते। इसलिए इदम इत्थम इति अवधारण क्षणांतर अनवस्थाना, ये युक्ति शून्य क्यों की है, आप बोलते हो ये वस्तु ऐसा, ये वस्तु क्षणिक है, आपको पता कैसे लगा। क्षणिकत्व तो बोलने के लिए भी वो वस्तु आपको दुष्ट क्षण में नहीं दिखाई दे क्षणिक है, परंतु जो व्यक्ति बोल रहा है कि क्षणिक है वो व्यक्ति दोनों क्षण में छा के नहीं था, जिस क्षण में इसको दिखाई दिया उस क्षण में और उसका बाद वाले क्षण में तभी तो बोल पाएगा, परंतु तुम इसको भी आलय विज्ञान को भी क्षणिक मान दिया, इसलिए तुम्हारा सिद्धांत युक्ति से बाहर है। इसलिए इदम इत्थम इति अवधारण क्षणांतर अनवस्थाना, दूसरे क्षण में ये विद्यमान नहीं रहने के कारण और दूसरी फल तो क्या हो जाएगा, अनुभूतस्य, जिसको अनुभव कर नहीं हुआ वो उस व्यक्ति का स्मृति कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति वस्तु उत्पन्न हुआ, एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ और उस वस्तु को अनुभव करने के लिए उत्पत्ति होने के बाद एक क्षण रहेगा तो कोई इसका अनुभव करेगा, और अनुभव करने के बाद भूकंप, कोई घबराने की बात नहीं, हल्का सा भूकंप आया नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा पूरा हिल गया, कोई बात नहीं उसमें क्या है। मान लीजिए इससे अच्छा क्या हो सकता है,
वेदांत तो विचार करते करते इस समय बिल्डिंग टूट जाए, सबका शरीर छूट जाए, माइंड पूरा इसी में लगा हुआ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? घबराने की क्या बात है? मृत्यु को यह हाथ में लेकर के चल रहा है, क्योंकि जब आपने मान लिया कि जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं, जन्म ही नहीं पैदा ही नहीं, नाश भी क्या होगा, तो उसको पढ़ते हुए तो इसमें तो घबराहट तो होना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको एंजॉय करेंगे। बहुत जोर झटका है, जोर झटका था, मेरे कुछ भी नहीं, अब पता ही नहीं लगा, किसी टाइम गाड़ी भी जा रहे थे, गाड़ी ऐसा पहले लगता है, गाड़ी का साउंड लगते पहले नहीं, पूरा महाराज एक नंबर टिप्पणी, हाँ एक नंबर टिप्पणी तो न्याय पे था, मतलब न्याय भाई हाँ जो युक्ति से बाहर है, बोल दिया अब क्या बोल रहे हैं, अनानुभूत स्मृति अनुपत्य, जो वस्तु को अनुभव नहीं किया उसकी स्मृति कैसे होना संभव है? अचित और चकार के तरह क्या बोलना चाहते हैं, देखो तुम्हारा वस्तु भी अनित क्षणिक है और अनुभव करने वाला भी क्षणिक है, आलय विज्ञान भी क्षणिक है, प्रवृत्ति विज्ञान भी क्षणिक है, तो आपने जो व्यक्ति अनुभव करेगा वही तो स्मृति होगा उसका। महाराज वस्तु क्षणिक संभव है, आकाश में जो विद्युत होता है वो क्षणिक होता है, लेकिन हम देखते हैं हम रह जाते हैं, तो आप तो यहाँ पे तो ये लोग तो आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान विज्ञान को क्षणिक माना दोनों, तो यही बोलते हैं कि आपके यहाँ पे जो व्यक्ति बंधन के अनुभव कर रहा है वो व्यक्ति तो मुक्ति काल में रहा ही नहीं, तो मुक्ति का आनंद कौन लेगा? एक स्थिर करता चाहिए, समस्त परिवर्तन को देखने के लिए एक स्थिर व्यक्ति चाहिए, तभी तो परिवर्तन के मिथ्यात्व सिद्ध करेगा, इसी से आत्मा के नित्यत्व सिद्ध अस्थिरता सिद्ध होता है, क्योंकि परिवर्तन को समझ रहे हैं, इदम इति अवधारणा क्षणांतर अनवस्थाना, इसको निश्चय करने के लिए जो एक दूसरा क्षण चाहिए उस क्षण में वो वस्तु रहता नहीं है, इसलिए तुम निश्चय नहीं करते। और दूसरी बात क्या है, अनुभूत स्मृति अनुभवते, मतलब इस वस्तु को अनुभव करने के लिए जो दृष्टि क्षण उसको रहना चाहिए तो है नहीं, और चकर के तरह क्या अनुभव करता भी तुम्हारे पक्ष में क्षणिक है, फल तो क्या हो जाएगा कि अनुभव करके तुम ये नहीं बोल सकते कि ये वस्तु ऐसा है, तुम्हारे सिद्धांत में तुम ये कह नहीं सकते कि ये वस्तु ऐसा है, कहने वाला कौन है, वो स्थिर है कि नहीं है, और जिस वस्तु के बोल रहे उसको भी अनुभव करने के लिए तो आपको समय चाहिए, इसकी सिद्धांत बिल्कुल युक्ति के बाहर है, इसलिए इसको लेकर के विचार नहीं करते। ठीक है ठीक है, कल करें, ठीक है ना, भाष्य से लगभग स्पष्टीकरण हजार टीका का, जैसे आपने बोला ये क्रिया कारक फल भेदी जो ये क्या वस्तु है, इसकी भिन्नता एक कैसे मान लेते हैं, आनंद के लिए इसको स्पष्टीकरण देते हैं भाष्यकार में, इस पंक्ति में यदि आपको मान लीजिए स्पष्ट नहीं आ रहा है, आनंद के लिए स्पष्टीकरण कर देते हैं। आज कौन सा है लास्ट, हाँ तीन नंबर, श्रान्तस्तमुहान्धकारो मज्जोन्मज्ज च घोरे उपजन पुनर्पति त्रासनेमे यत्पादाश्रितानां श्रुतिसमविनय प्राप्तिरग्रह्यो भा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वधा वे नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवन्वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईशो गुरुनेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये हो सकता है अभी थोड़ी देर